हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई लेडीज़ों का एक सवाल काफ़ी आता है कि मैडम हमारी दो सिजेरियन डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो तीसरा हमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या, या फिर तीन अगर हमारी सिजेरियन हो गई हैं तो चौथा हमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या, क्या ये पॉसिबल है क्या। यही सवाल काफ़ी लोगों का आता है, तो इसी बारे में हम जानेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, किन चीज़ों पर ये डिपेंड होता है। लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो देखिए होता क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मतलब जैसे कि अगर महिला का पूरा 9 महीने सही चल रहा है, यानी कि महिला को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी कोई मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नहीं आ रही है महिला, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं है, या फिर कई बार और भी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं महिला में, या फिर बच्चे में कई कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो पूरे 9 महीने अगर आपका सही चल रहा है, लास्ट तक सही चल रहा है और आपको पेन भी सही से आ रहे हैं, आपका रास्ता जो है बच्चेदानी का मुंह जो है वह सही से खुल रहा है, सही से प्रोग्रेस आप अगर कर रही हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है अगर आपका 9 महीने पूरा सही से चल रहा है और मदर को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मदर बिल्कुल हेल्दी है। तो दूसरा, अगर मदर में कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी ऑलरेडी चल रही है, मदर को कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी की शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, वहाँ पे आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही कराई जाती है ताकि मदर को और बच्चे को कोई भी रिस्क ना हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ डिपेंड करता है कि आपकी जो सिजेरियन डिलीवरी है, यानी कि दो बच्चे आपके सिजेरियन डिलीवरी से हो गए हैं, तो जो लास्ट वाला बच्चा था, यानी कि दूसरा बच्चा था, उसको कितने साल हो गए हैं, यानी कि जो लास्ट की सिजेरियन डिलीवरी थी वो कितने साल पहले हुई है। यानी कि अगर आपको 12 महीने ही हुए हैं दूसरी सिजेरियन डिलीवरी को और आपकी जो तीसरी डिलीवरी है उसका समय भी आ गया है नज़दीक, तो इस केस में होता क्या है कि थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि जो टांके होते हैं वो फटने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, तो इसलिए डॉक्टर रिस्क ना लेके जो है सिजेरियन डिलीवरी ही करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि अच्छा खासा अगर आपका गैप है, तो यानी कि 3 साल 2 साल इस तरह का अगर आपका गैप है, आपके टांकों पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका जो है 1 साल ही अभी हुआ है, तो इस पे रिस्क रहता है कि आपकी जो जहाँ से आपका फर्स्ट कट लगा था सिजेरियन डिलीवरी के समय, वो खुलने का रिस्क, वहाँ से फटने का रिस्क रहता है नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द होते हैं, काफ़ी शरीर अकड़ जाता है दर्द के कारण, तो वो जो है फटने के, यानी कि दबाव के कारण फटने के काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहते हैं, और वो काफ़ी हाई रिस्क हो जाता है, मदर के लिए काफ़ी डेंजर हो जाता है वो। तो इस रिस्क से बचने के लिए नॉर्मल डिलीवरी ना करा के सिजेरियन डिलीवरी कराया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो और भी देखने के लिए। और भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।